नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। इस वीडियो में हम आज विश्व के प्रमुख जनजातियों को देखेंगे और कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि सवाल सीधे पूछे जाते हैं कि फलानी जनजाति कहां से संबंधित है। हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, आईएएस से लेकर के रेलवे ग्रुप डी तक। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है हर विद्यार्थी के लिए जिसको अपनी परीक्षा में जीएस का पेपर देना है। तो आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों को एक ही वीडियो में याद कर लेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और जो हैं इंडिया की प्रमुख जनजातियाँ, उन्हें हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन हैं, कहाँ निवास करती हैं, उनको हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो उसको हमें नोट डाउन करना है और सीधे कंठस्थ कर लेना, क्या उसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़े ना है, लेकिन परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो कॉपी और पेन उठाइए और हमारे साथ लिखना शुरू कर दीजिए, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो हेडिंग क्या डालेंगे, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा में। आपको इस वीडियो से फायदा मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग एकदम नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों को लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली जनजाति है आपकी एस्किमो। कौन सी है, एस्किमो, एस्किमो जनजाति, ठीक है। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में, कनाडा व ग्रीनलैंड में, कनाडा व ग्रीनलैंड पाई जाती है एस्किमो। दूसरी है आपकी लैप। कौन सी जनजाति, लैप, लैप जनजाति कहाँ पाई जाती है, यूरोप का टुंड्रा प्रदेश, यूरोप का टुंड्रा प्रदेश, यूरोप का टुंड्रा प्रदेश। तीसरा देखेंगे शमोएट्स, शमोएट्स ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, एशियाई टुंड्रा में, कहाँ पे, एशियाई टुंड्रा में, एशियाई टुंड्रा प्रदेश में। ये क्या है, ये भी टुंड्रा प्रदेश है, क्या है, टुंड्रा प्रदेश है, ठीक है ना। तो एस्किमो कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में, लैप यूरोप का टुंड्रा प्रदेश है उसमें पाई जाती है, और समोएड्स आपका एशियाई टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, चौथा वाला देखते हैं, तातार, तातार जनजाति, तातार जनजाति आपकी साइबेरिया में पाई जाती है, कहाँ, साइबेरिया में, तातार जनजाति आपकी साइबेरिया में पाई जाती है। पांचवा देखेंगे माओरी जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, पीसीएस में सीरीज पूछा जाता है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है, वही न्यूजीलैंड जिसके क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, केन विलियमसन है, हमारे सबसे फेवरेट खिलाड़ी हैं, उससे बेहतरीन खिलाड़ी हमने, और क्रिकेट में जो स्पोर्ट स्पिरिट है महेंद्र सिंह धोनी और कुमार संगकारा के बाद में, वो केन विलियमसन में है, ठीक है, सबसे ज़बरदस्त खिलाड़ी वर्तमान के दुनिया की क्रिकेट में। छठा देखते हैं, माओरी जनजाति कहाँ, न्यूजीलैंड की है। इसके बाद में छठा देखेंगे बंटू, बंटू जनजाति, बंटू जनजाति ये कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की, कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की बंटू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। आगे देखेंगे सातवां, बर्बर, बर्बर जनजाति, बर्बर जनजाति उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। आठवां देखेंगे बिंदुबी, बिंदुबी,
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहाँ? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। नौवां देखेंगे, फिंस यूरोपीय टुंड्रा में पाई जाती है। फिंस यूरोपीय टुंड्रा में पाई जाती है, कहाँ पे? यूरोपीय टुंड्रा में। दसवां देखेंगे, यानी कि दसवां देखेंगे, गाउचे जनजाति कहाँ पाई जाती है? उरुग्वे। कहाँ पे? उरुग्वे, उरुग्वे में पाई जाती है। इसके अलावा ये अर्जेंटीना का जो पंपास का क्षेत्र है वहाँ भी पाई जाती है, यानी कि अर्जेंटीना में भी पाई जाती है, ठीक है ना? ये अर्जेंटीना में भी पाई जाती है। ये रा जा पे लगेगा, अर्जेंटीना होता है, ठीक है ना? गाउचे अर्जेंटीना में भी पाई जाती है। इसके अलावा ग्यारहवां देखेंगे, हेमाइट्स, ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। हेमाइट्स, हेमाइट्स हेमाइट्स ठीक है, ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है ना? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। इसके अलावा खिरगीज, खिरगीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। खिरगीज मध्य एशिया में पाई जाती है, मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया। तेरहवां देखेंगे, किकियू, किकियू कहाँ पाई जाती है? नाम से ही स्पष्ट है, केन्या में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर सॉरी चौदहवां देखेंगे, मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। बोर्ड साफ करते हैं, उसके बाद में आगे लिखाते हैं आपको। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। जिन लोगों ने नोट नहीं किया एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, एकदम याद कर लीजिए, ठीक है ना? तो मसाई तक हमने कर लिया है, बाकी मैं करवाता हूँ। जितने इम्पॉर्टेंट जनजाति हैं दुनिया भर के, उन सबको एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि सीधा सीधा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमने एक बार पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ा दी है। प्लेलिस्ट में आप खोजेंगे तो आपको सारे वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे। तो अब टॉपिक वाइज पढ़ाई होगी और परीक्षा को ध्यान में रख के पढ़ाई होगी कि जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वहाँ से आपसे पूछा जाए। आगे देखते हैं पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति ये जायरो में पाई जाती है। कहाँ? जायरो, कांगो जायरो, ठीक है ना? इसके अलावा आप देखेंगे पापुआंस, पापुआंस ये कहाँ पाई जाती है? पापुआ न्यू गिनी में, पापुआ न्यू गिनी में, ठीक है ना? पापुआ न्यू गिनी में। इसके अलावा आप आगे देखेंगे रेड इंडियन, रेड इंडियन, तो इन नाम से मत पकड़िएगा, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा बेद्दा, बेद्दा ये जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। कहाँ पे? श्रीलंका में पाई जाती है। इसके अलावा देखेंगे जुलू, जुलू जनजाति, जुलू जनजाति ये आपकी दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका। तो आपने इससे पहले देखा था कि बंटू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। जो है जुलू और बंटू ये कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना? सेमांग, सेमांग जनजाति, सेमांग जनजाति
ये कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में पाई जाती है। कहाँ पे? मलेशिया में पाई जाती है। सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। इसके अलावा पूनान, पूनान जनजाति, पूनान जनजाति बर्निया में पाई जाती है। कहाँ पे? बर्निया में पाई जाती है। अगला देखेंगे बुस्मैन, बुस्मैन जनजाति। कौन सी? बुस्मैन जनजाति। ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। इसके अलावा आइनू, आइनू जनजाति ये जापान में पाई जाती है। कहाँ पे? जापान में पाई जाती है। जापान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आगे देखते हैं हानटाट, हानटाट जनजाति। आपकी जो हानटाट जनजाति है ये कालाहारी बोत्सवाना में पाई जाती है। कालाहारी, कालाहारी बोत्सवाना। आगे देखते हैं इसके बाद में हम देखेंगे यूकागिरी, साइबेरिया में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? यूकागिरी, यूकागिरी जनजाति साइबेरिया में। कहाँ? साइबेरिया में। यूकागिरी जनजाति साइबेरिया में पाई जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे फुलानी जनजाति नाइजीरिया में, फुलानी जनजाति नाइजीरिया में। कज्जाक, कज्जाक जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, मध्य एशिया में, कज्जाक मध्य एशिया में पाई जाती है। माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती है, माया जनजाति मैक्सिको में। मैक्सिको में पाई जाती है। बोअर जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, बोअर जनजाति दक्षिण अफ्रीका। तो ये हैं दुनिया भर की महत्वपूर्ण जनजातियाँ जिनको हमने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और चूंकि ये हर परीक्षा में पूछी जाती हैं, छोटी से लेकर के बड़ी हर परीक्षा में, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और रट लेंगे। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं इसे याद करने का, कोई थ्योरम नहीं, कोई सूत्र नहीं है, और ट्रिक से याद किया हुआ चीज़ ट्रक में ही काम आता है, कभी परीक्षा में काम नहीं आता है। तो इसलिए ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए, एक दो नंबर सीधे सीधे परीक्षाओं में मिल जाते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहाँ पर किसी और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ की बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आपके लायक इंपॉर्टेंट वीडियो हो आप उसको देख लिया करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।